मैं कोई चवल नहीं हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूँ आपके सवाल। मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा, अब किस मुंह से इनकार करूं। ये दो अलग अलग बयान है। ये पहला वाला बयान ये जयंत चौधरी ने 2022 में तब कहा था जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे, तब भी जयंत को बीजेपी का ऑफर मिलने की बात थी। उस दौरान जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में प्रचार के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने ये बयान दिया था। 2022 का ये बयान आज की राजनीतिक परिस्थिति में वायरल हो रहा है, जब सर पर आम चुनाव है, जयंत चौधरी वाली आरएलडी के बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। अब ये पुराना बयान शेयर करके लोग मजे ले रहे हैं। अब जयंत चौधरी का आज का बयान देख लीजिए, जब उनसे बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, अब भला मैं किस मुंह से इनकार करूं? पानी की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं आपके सवाल। अब जहां भाजपा और आरएलडी के बीच गठबंधन को लेकर बात बनती हुई नजर आ रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बड़ी घोषणा आई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। मोदी ने ऐलान करते हुए ट्वीट में लिखा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या फिर देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी, उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वो आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। इस पर पोते जयंत चौधरी का ट्वीट क्या आया वो देख लीजिए। उन्होंने लिखा, दिल जीत लिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई, उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए, अब चौधरी चरण सिंह को इसी से नवाजा जा रहा है, तो क्या जयंत चौधरी की आरएलडी क्या करेगी? आप समझ रहे हैं ना। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी का ना सिर्फ शुक्रिया किया बल्कि खुलकर कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश की नब्ज को समझते हैं। कोई कसर रह गई है बताओ? इतना बड़ा फैसला लिया हो, ऐसे में अगर आप सीटों के बारे में चर्चा कर ले। मैं कहा सीटों की कोई बात ना मैं आपके साथ करूंगा, ना मैं किसी प्रधानमंत्री या सरकार में शामिल लोगों के साथ बैठकर करूंगा, बीजेपी के किसी व्यक्ति के साथ नहीं करूंगा। आज तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि लोग ये सारे इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं, और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो है वो फिर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी हो ही ना। तो ये एक सतर्क प्रयास होता है भारत सरकार का, जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं, गांव के और कमेरा वर्ग के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं, जो समर्पण है, जो इच्छा शक्ति है, आज उसे उन्होंने प्रदर्शित किया। और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस निर्णय से कि अगर कोई सरकार चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दे सकती है, तो जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी के अहम मुद्दे रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनकी बात भी मानी जाएगी। जयंत चौधरी यूपी की सियासत का एक ऐसा किरदार है जिन पर इस वक्त सबकी नजरें बनी हुई हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव के 7 सीटों वाले ऑफर को ठुकराते हुए जयंत चौधरी ने बीजेपी के 2 सीटों वाले ऑफर को अपना लिया है। इस लोकसभा चुनाव 2022 से पहले सपा और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के यूपी की सियासत में बने रहने की कोशिशों पर तगड़ा झटका लग सकता है। अखिलेश यादव के पुराने साथी जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ डील पक्की करने की खबर आने से यूपी का सियासी माहौल गर्म हो गया है। जयंत चौधरी की यूपी की राजनीति में धमक है, वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों पर जयंत चौधरी की तगड़ी धाक है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ डील करके जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को एक और झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी ने आरएलडी को 2 सीटें ऑफर की हैं, जिसमें बिजनौर और बागपत की सीटें शामिल हैं। साथ ही जयंत चौधरी की पार्टी को 1 राज्यसभा सीट भी मिलेगी। दोनों दलों के बीच
गठबंधन का ऐलान 2 से 3 दिन में हो जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि जयंत कहीं नहीं जाने वाले, वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन सूत्रों की माने तो सपा के इसी भरोसे को जयंत चौधरी ने झटका देने की पूरी तैयारी कर ली। बड़ा सवाल यह है कि जयंत चौधरी आखिर क्यों सपा से अलग हो रहे हैं, इस पर अब भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत सपा से नाराज हैं, वो अखिलेश यादव के प्रस्ताव से नाराज हैं। असल में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को 7 सीटों का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अखिलेश का प्रस्ताव ये है कि आरएलडी लोकसभा चुनाव 7 सीटों पर लड़े, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीटों पर उम्मीदवार का चेहरा समाजवादी पार्टी से होगा और निशान आरएलडी का। सूत्रों का मानना है यही वो वजह है जिससे जयंत नाराज हो गए। इससे एक बात और साफ हो जाती है, वो ये कि जयंत के बीजेपी के साथ डील पक्की करने से एनडीए के मिशन 400 को मजबूती मिल सकती है। यूपी की 10 से 12 सीटें जाट बहुल्य है, वहां जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। साथ ही पश्चिमी यूपी में लगभग 17% आबादी जाटों की है। इतना ही नहीं, विधानसभा की लगभग 50 सीटों का फैसला जाट वोटर्स करते हैं। इसके अलावा जयंत के आने से बीजेपी किसान आंदोलन से हुई जाटों की नाराजगी को भी दूर करने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी से डील करने से जयंत को एक और फायदा होगा, वो ये कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन था तब आरएलडी उसका हिस्सा थी, लेकिन बावजूद इसके उस चुनाव में मोदी की आंधी के सामने ये गठबंधन फेल हो गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी के साथ जाकर वो अपना ही फायदा करेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़।